हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 54 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनेट है वो आपको चालू रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिना इंटरनेट के तो आपका वीडियो कॉलिंग पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। इंटरनेट आपका पहले से चालू होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर जो है, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगर वीडियो कॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही तो रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड बाय जो पावर बटन है, इस पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपका एक पेज ओपन होगा इस तरीके का। इसमें देखिए रीस्टार्ट का ऑप्शन है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके देखिए जिस ऐप में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है ना, चाहे वो आपका फेसबुक ऐप में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, चाहे आपका नॉर्मली कॉलिंग ऐप है, तो जिस ऐप में आपको वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है उस ऐप को रीसेट करना है, यानी कि उसका डेटा क्लियर करना है। कैसे करेंगे, देखिए उस ऐप को उंगली से दबा के रखिए, एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर इस तरीके का ये जो सर्कल के अंदर आई बटन बना हुआ है इसे टैप करना है, तो आपका ना ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पेज में आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। इसके अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है। तो डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको ओके का बटन या डिलीट का बटन दिखेगा, इसे टैप करना है। आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा और कैच, ये दोनों आपका जीरो हो जाएगा बीच वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उस ऐप को रीसेट कर देना है जिस ऐप में आपको वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो आपका अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का सिस्टम अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमी आने लगती है। तो आपके मोबाइल फ़ोन का सिस्टम अपडेट है या नहीं आप कैसे चेक करेंगे, इसके लिए पहले मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट चालू रखिए, इसके बाद मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है, इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। सिस्टम अपडेट के इस वाले पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपके फोन में जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन की APN सेटिंग को रीसेट करना है। कैसे करेंगे, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर ये नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टैप करना है। इसके अंदर आपको ये दूसरा ऑप्शन मिलता है मोबाइल नेटवर्क का, मोबाइल नेटवर्क पर टैप करना है। इसके अंदर आपको जो है ना अगले पेज में सबसे नीचे की साइड आना है, ठीक है। सबसे नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे आपको टैप करना है। तो आपको APN का पेज मिलेगा, APN के इस पेज में सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है। एक छोटा सा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है। आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग, तो आप APN सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके फोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस यहां पे करना ये है कि आपको अपने फोन को ना रीसेट कर देना है, ठीक है। देखिए आपको अपने फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए आप मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको ये डिलीट ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताए थे सारे प्रोसेस आप यूज करिए तो आपके फोन में जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।